हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। तो आज हम बनाने वाले हैं फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट। ठीक है, ये मेरा इस तरीके का इसका लुक रहेगा। ये मेरा फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट आएगा और इसका फ्रंट का और बैक का दोनों दोनों जो नेक रहेंगे वो मेरे डीप रहेंगे और मेरे दोनों यू शेप में रहेंगे। डन। और ये मेरा जो स्लीव्स रहेंगी वो कुछ पफ स्लीव्स रहेंगी मेरी। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और जो मेरा मेन फैब्रिक रहने वाला है वो ये रहेगा। और ये मैं इसकी ये नेट वाला फैब्रिक यूज करके इसकी स्लीव्स बनाऊंगी और ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा। डन। तो इस तरीके से होगा और इसकी जो स्लीव्स रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। एक ब्लाउज मैंने बनाया था, ये देखिए इस तरीके से, उसी को मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, ये मेरा 40 साइज में है। डन। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा बनने के बाद में। लेकिन मैं ये जो ब्लाउज बनाने वाली हूँ ये मेरा फोर टक ब्लाउज है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मैं प्रिंसेस कट नहीं बना रही हूँ, मैं ये फोर टक बना रही हूँ, फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट के साथ में। डन। तो इस तरीके से मेरा रहेगा। तो अभी मैं इस सारे फैब्रिक को साइड में रखूंगी क्योंकि मैं क्या करूंगी, पहले इसकी ड्राफ्टिंग करूंगी और ड्राफ्टिंग करने के बाद में इसको मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट कर दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, बैक पार्ट को अपने मेन अस्तर पे ही कट करूंगी क्योंकि बैक पार्ट मेरा सेम ही रहने वाला है और फ्रंट पार्ट में ड्राफ्टिंग करके उसको मैं रख के कट कर लूंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे आगे वीडियो में देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत ही ईजिली आपको सिखाऊंगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बैक पार्ट को ड्रॉ करूंगी। डन। तो यहाँ पे इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, मेरा मेजरमेंट है। ठीक है, और मेरा ये फाइनल लुक रहेगा। ये देखिए, ये मेरा बैक का और ये मेरा फ्रंट का रहेगा। तो अभी मुझे बैक पार्ट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम इस तरीके से सबसे पहले एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद में जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा, ठीक है, जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा, फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे कितना है, 15 इंच है। तो 15 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, 15 डिवाइड बाई 2, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.5 इंच। ऑन फोल्ड के साइड से, ऑन फोल्ड के साइड से हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसके बाद में यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और इसके बाद में ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद में इन दोनों निशान को मिला के इस तरीके से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो और ये सभी साइज के लिए कंपलसरी है, आपका साइज कोई सा भी हो। ठीक है, आपका 28 से लेके 45 से कितना भी प्लस हो, आपको ये चीज हर एक ब्लाउज में करनी ही होगी, ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। डन। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम कैसे लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मेरा जो बैक साइड साइड से ब्लाउज है वो छोटा हो जाता है। तो वो छोटा ना पड़े इसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी जो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ मेरे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 15 इंच। तो इसमें हमें +1 इंच ऐड करके हमें बैक पार्ट का ड्रॉ करना है। ठीक है, बैक पार्ट का निशान लगाना है। अगर हम अपने बैक पार्ट हमेशा, क्योंकि मेरा क्या होता है, ब्लाउज हमेशा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमेशा छोटा होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैक पार्ट से ड्रॉ नहीं करना है, हमें लेंथ लेनी है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ मेरी कितनी है, 15 इंच, तो इसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 16 इंच। डन। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे एक मार्क करेंगे और जहां पे मुझे 16 इंच मिला है वहीं से हम एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इसके बाद में हम अपने
यहाँ पे चेस्ट लाइन निकालेंगे कि मेरी चेस्ट लाइन कहाँ पे आएगी। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमें अपना डीप नेक वाला चार्ट देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट डीप हैं। तो इसके लिए हमें अपना डीप नेक वाला चार्ट देखना होगा और इसके बाद हमें अपना चेस्ट देखना होगा कितना है। तो मेरा चेस्ट कितना है, 35 इंच। तो 35 को हम देखेंगे मेरा 35 किस लाइन में आ रहा है। तो 35 मेरा बीच वाली लाइन में मुझे मिल रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये बीच वाला, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 35/6 +0.50। तो मुझे मुझे कितना मिलेगा, 6.3, ठीक है। 6 इंच के ऊपर 3 लाइन। तो यहाँ पे हम 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे एक मार्क करेंगे, और जहां पे भी मुझे मार्क मिला है उसी जगह पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब इसके बाद में अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे, जो भी मेरा चेस्ट होगा, जैसे मेरा जो चेस्ट है वो है 35, तो 35/4, ठीक है। और इसके बाद ये मुझे कितना मिला, 8.75। इसमें मुझे कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, क्योंकि मेरा फ्रंट और बैक दोनों डीप है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा चेस्ट था उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 किया, तो मुझे कितना मिला, 8.75। तो 8.75 पे हम एक इस तरीके से मार्क करेंगे, और इसके बाद 1.5 इंच हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद में अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हम अपना यहाँ पे देखेंगे मेरा वेस्ट कितनी है, 30। तो 30 को हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो मुझे कितना मिलेगा, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक हम मार्क करेंगे, डन। और इसके बाद 1.5 इंच हम सिलाई का लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां तक मेरा ब्लाउज ड्रॉ हो चुका है। और अब हम अपना आरमोल का निशान लगाएंगे। तो आरमोल का निशान लगाने के लिए मुझे अपना शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना शोल्डर माइनस चार्ट लिया है 2.5 इंच वाला, क्योंकि 2 इंच से लेके 2.75 वाला, क्योंकि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है मेरा 2.5 इंच। अगर आपको 2 इंच चाहिए है या 2.75 चाहिए है, तो आपको ये वाला चार्ट लेना है। और अगर आपको 2 इंच से कम लेना है, तो आपको शोल्डर माइनस चार्ट चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है 2.5 इंच, तो मैंने लिया है ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपने बैक पार्ट के लिए देखना है कि यहाँ से मेरा फुल शोल्डर में से कितना माइनस होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले इसको ले लेंगे, और यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए मेरे पास में 3 मेजरमेंट होने चाहिए। एक तो रेडी शोल्डर, इसके बाद में नेक डीप और नेक का सेप, ठीक है। तो जो मेरा रेडी शोल्डर रहेगा वो कितना है, 2.5 इंच, और जो मेरा नेक डीप रहेगा वो है 7 इंच, और जो नेक का सेप रहेगा वो रहेगा राउंड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नेक डीप रहेगा मेरा 11 इंच, क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट का मैं देख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट का देख रही होती तो मैं यहाँ पे लेती 7 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो बैक का नेक डीप है वो है मेरा 11 इंच। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, जो रेडी शोल्डर माइनस चार्ट को देखूंगी, तो 2.5 तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये तो मुझे मिल गया। अब मैं देखूंगी नेक डीप, तो नेक डीप मेरा 11 किस वाले में आ रहा है, इस वाली लाइन में, ठीक है, ये वाला आ रहा है ना। और राउंड नेक मेरा कहाँ पे जा रहा है, इस वाली लाइन में, ठीक है। तो मेरा फुल शोल्डर में से कितना होगा, -3.5 इंच, ठीक है। बैक वाले पार्ट में मेरा होगा -3.5 इंच। तो अब हम देखेंगे जो भी मेरा फुल शोल्डर है मेरा 15, इसमें हम माइनस करेंगे 3.5 इंच, तो मुझे कितना मिला, 11.5 इंच। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मुझे कितना मिला, 5.75। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से हम 5.75 पे एक मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
और सेम यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 5.75 पे। और इसके बाद में इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, डन। और उसके बाद में जो भी मेरी ये वाली लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे, ठीक है, इसका हम सेंटर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे। अब क्रॉस हमें कितना जाना है वो देखेंगे। तो क्रॉस हमें जाना है, ये देखिए यहाँ पे, जब मेरा चेस्ट 35 इंच होगा, 32 से लेके 35, तो हमें बैक पार्ट में क्रॉस जाना है 1 इंच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ फ्रेंच कप की हेल्प से इस तरीके से अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और अब क्योंकि मेरा बैक पार्ट जो रहेगा उसमें जो मेरा नेक है वो नेक डीप है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना होगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से हमें 0.75 और माइनस करना होगा क्योंकि मेरा नेक यहाँ पे डीप है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से हमने 0.75 और माइनस कर दिया है। अब ये सारा का सारा मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये सारा मेरा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो बैक पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है, और जो बाकी का नेक वगैरह बचा हुआ है उसको हम बाद में देखेंगे। अब इससे पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट को देखना होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। लाइन ड्रॉ होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अपना जो फुल शोल्डर है उसका हम डबल करके, देखिए जो मेरा फुल शोल्डर है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी मुझे मिलेगा वहीं से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ फुल शोल्डर था 15 इंच, इसको मैं डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे मिला 7.5। तो यहाँ ऑन फोल्ड के साइड से 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे। और जहां पे मुझे मार्क मिला है वहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है, 1 इंच डाउन जाएंगे। और ऑन फोल्ड की तरफ से, ये देखिए ऑन फोल्ड की तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद में इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए मेरी इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और अब हम अपनी यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डीप नेक वाला फार्मूला लेना है। तो ये मैंने डीप नेक वाला चार्ट ले लिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेरी चेस्ट है वो किस लाइन में आ रही है। तो मेरी चेस्ट यहाँ बीच वाली लाइन में आ रही है क्योंकि मेरी चेस्ट है 35, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, ये बीच वाला। तो कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी चेस्ट लिखेंगे 35 इंच, जिसको लिखेंगे डिवाइड बाई 6 करेंगे, प्लस 0.50 करेंगे, तो मुझे कितना मिला, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो यहाँ पे जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे, ये देखिए यहां से हम 1 इंच डाउन गए थे वहीं से हम निशान लगाएंगे 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे। और जहां पे मुझे निशान मिला है वहीं पे हम एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मेरा जो चेस्ट वाला जो पॉइंट है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे चेस्ट लाइन अपनी मिल गई। अब चेस्ट लाइन मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। तो शोल्डर माइनस चार्ट मैंने ये ले लिया है, शोल्डर माइनस चार्ट मैंने ये लिया है 2 इंच से लेके 2.75 वाला। क्यों, क्योंकि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है मेरा 2.5 इंच। अगर आपका 1 इंच हो या 0.5 हो या फिर क्या कहते हैं 3 इंच हो, 4 इंच हो, जो भी आपका रेडी शोल्डर हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना शोल्डर माइनस चार्ट ले सकते हैं, डन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्रंट पार्ट का
पार्ट को देखेंगे कि हमें अपने फुल शोल्डर में से कितना माइनस करना है। तो उसके लिए मेरा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, 2 1/2 इंच, और मेरा जो नेक डीप है, नेक डीप कितना है, 7। ठीक है, नेक डीप 7 है और नेक जो राउंड है, नेक राउंड है मेरा, नेक मेरा राउंड है। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट को। देखो जो मेरा रेडी शोल्डर है वो तो इसी चार्ट में आ रहा है, वो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा जो 7 इंच है वो कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, 6 1/2 इंच से लेके 7 इंच, मतलब मेरा इस वाली लाइन में आ रहा है। ठीक है, और जो मेरा नेक नेक का शेप कौन सा है, राउंड नेक, राउंड नेक मेरा कहाँ आ रहा है, इस वाली लाइन में। तो मेरा कितना माइनस होगा, -2 1/2 इंच। ठीक है, तो 2 1/2, सॉरी, 2 इंच हम कहाँ माइनस करेंगे, ये देखिए 2 इंच माइनस हो रहा है ना, 2 इंच हम कहाँ माइनस करेंगे, जितना मेरा फुल शोल्डर है। तो फुल शोल्डर मेरा कितना है, 15 इंच, तो 15 में हम माइनस करेंगे 2 इंच, तो मुझे कितना मिला, 13। अब इसको 13 को डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो कितना आया, 6 1/2 इंच। तो हम यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से 6 1/2 इंच पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे। ठीक है, और सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपकी साइज कोई भी हो, अगर आप 4 टक ब्लाउज बना रहे हैं तो जो भी आपकी चेस्ट हो, ठीक है, उसमें आपको प्लस करना है 1 1/2 इंच। ठीक है, ये आपको लूजिंग देनी है, उसके बाद इसको डिवाइड बाई में 4 करना है, जो भी मिलेगा वही मेरी चेस्ट लाइन होगी। तो मुझे कितना मिला, 9.25। तो 9.25 पे हम इस तरीके से एक मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 1 1/2 इंच की मार्जिन देंगे, जो कि मेरा सिलाई में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हमें इसको हमें सेंटर लेना है इन दोनों का, ये मेरा सेंटर आ गया, और इसके बाद में यहाँ पे हमें क्रॉस जाना है। ठीक है, तो क्रॉस कैसे जाएंगे, क्रॉस जाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है, ये देखिए, तो इसमें हम देखेंगे फ्रंट पार्ट में अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 39 है तो फ्रंट पार्ट में आप क्रॉस कितना जा रहा है, 0.75, और अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 है तो आपको फ्रंट पार्ट में क्रॉस कितना जाना है, 0.50। तो फिलहाल मुझे कितना जाना है, 0.75। तो यहाँ पे हम 0.75 पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और ऑन फोल्ड के जहाँ पे हमने ये जो सेंटर लिया था, सेंटर से हम 0.25 अंदर आएंगे। ठीक है, ये हम 0.25 अंदर आएंगे, और इसके बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से शेप देंगे। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का इतना आना है, तो इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का आर्मोर ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरी ये वाली लाइन है और जहाँ ऑन फोल्ड के साइड से मैंने 2 1/2 इंच पे निशान लगाया था, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। ठीक है, और सेंटर से ही हम अपने ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ब्लाउज की लेंथ मेरी कितनी थी, 15 इंच, तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिला, 16। तो यहाँ से हम 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और जहाँ पे मुझे निशान मिला है वहीं पे हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, और अब इसके बाद में यहीं से हम अपनी नेक का निशान लगाएंगे, और अपने अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो नेक नेक मेरा कितना था, 7 इंच, तो 7 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, वो चेस्ट लाइन पे ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे अपेक्स पॉइंट जो मेरा है वो कितना है, देखेंगे शोल्डर टू अपेक्स मेरा कितना है, 10 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 10 1/2 इंच। तो 10 1/2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और जहाँ पे मुझे निशान मिला है वहीं पे एक हम स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया, और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपना अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा कितना है, इसमें देखिए, अपेक्स टू अपेक्स मेरा है 7 इंच, तो 7 इंच पे
7 इंच का हम हाफ करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 3 1/2 इंच। तो 3 1/2 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, और जितना मुझे यहाँ मिला है उससे 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ मेरा 3 1/2 इंच, तो यहाँ मैंने लगाया 3 इंच पे। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ तो हो गया, और अब इसके बाद में हम हाँ अपनी वेस्ट वाली टक्स लेंगे, फ्रंट पार्ट वाली। ठीक है, तो वेस्ट में मेरी टक्स कितनी रहेगी वो देखेंगे। उसके लिए हमने टक्स वाला चार्ट ले लिया है, और यहाँ देखिए 28 से लेके 35 तक चेस्ट होगी, तो वेस्ट में टक्स कितनी रहेगी, 2 1/2 इंच की। अगर आपकी चेस्ट लाइन दूसरी लाइन में आ रही है तो आप उसके हिसाब से लीजिएगा। मेरी पहली लाइन में आ रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 1/2 इंच पे यहाँ पे टक्स ले रही हूँ। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से मिला दूंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और इसके बाद मैं अपनी वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो वेस्ट का निशान लगाने के लिए यहाँ पे पकड़ते हुए इसको पहले तो मैं माइनस करूंगी। यहाँ पे माइनस करूंगी और मेरी देखूंगी वेस्ट कितनी है, तो वेस्ट मेरी है 30, इसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 7 1/2 इंच। तो ऑन फोल्ड के साइड से 7 1/2 इंच पे एक मार्क करूंगी। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से 1 1/2 इंच पे एक मार्क करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, और अब क्या करूंगी, इस निशान को यहाँ से मिलाऊंगी और इस निशान को यहाँ से मिलाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और अब क्या करूंगी, इस लाइन का सेंटर लूंगी, जितनी भी ये लाइन आ रही है इसका हमें सेंटर लेना है, और अब इसका और इसका सेंटर लेना है, और अब इसका और इसका सेंटर लेना है। यहां तक हो गया, और जो पहला वाला मार्क आ रहा है उससे मैं 1/2 इंच बाहर जाना है, और जो दूसरा वाला निशान है उससे 0.25, और यहां पे एक लाइन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां तक मेरा क्लियर हो गया, और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जहां पे हम 1/2 इंच बाहर गए थे वहां पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा एक शेप आ जाएगा। इस तरीके से मेरा बॉडी का जो शेप है वो आ जाएगा नीचे वाली का। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी आर्मोल वाली डार्ट लेंगे। ठीक है, तो आर्मोल वाली डार्ट कैसे लेंगे वो देखेंगे। तो आर्मोल की जो मेरा टक्स रहेगी वो रहेगा मेरा 1.25, क्योंकि मेरी चेस्ट कितनी है, 35, तो मेरी आर्मोल वाली टक्स कहाँ आएगी, पहली वाली लाइन में। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 इस तरीके से जाएंगे, और जहां पे भी मेरा 0.25 आएगा वहां पे हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। तो मेरा यहाँ पे आएगा, और इसके बाद में 0.25 को हम इस तरीके से हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो 1/2 इंच के ऊपर मेरा एक लाइन इधर आएगा और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन इधर आएगा। ठीक है, तो अब मैं करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे बीच वाली लाइन से इसको मिला देंगे। ठीक है, बीच वाली लाइन से को यहाँ से मिला देंगे, तो मेरा इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बीच वाली लाइन से मिला दिया है, और उसके बाद में हम यहाँ सेंटर से हम यहाँ पे 2 इंच जितना, या फिर इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और मार्क करने के बाद में यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ से पहले हमने इन दोनों का सेंटर लिया, सेंटर से 1/2 1/2 इंच नीचे आए, और जो मेरा नीचे वाला निशान होगा वहां से हम इस तरीके से इसको मिला देंगे।
है, और ये वाली लाइन को थोड़ा सा बाहर करेंगे, और बाहर करने के बाद में हम क्या करेंगे, जितनी मेरी ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन मेरी कितनी आ रही है, 6 इंच, तो हम इस लाइन को भी 6 इंच पे, 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ से जो ये वाला मेरा पॉइंट है, यहाँ से कितना आ रहा है, 6 इंच। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच आ रहा है ना, तो 6 इंच ही हमें इस लाइन को लेके जाना है। तो यहाँ पे आया ना, ये यहाँ पे आया, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच डाउन जाने के बाद में स्केल को इस तरीके से रखेंगे, रखने के बाद में यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, और यहाँ से मिलाने के बाद में जहाँ से हमारा ये निशान आया था उस निशान से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया, और यहीं से अपना एक नया आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ से एक नया आर्म होल मिल जाएगा। तो ये मेरी आर्म होल वाली डार्ट हो गई, और अब हम अपनी सेंटर वाली टक्स लेंगे। तो सेंटर वाली टक्स को हम 1 इंच जितना लेंगे, तो 1 इंच का हम हाफ करेंगे, तो मुझे मिलेगा 1/2 इंच। तो 1/2 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जितना मेरा ये होगा, ये मेरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 1/2 इंच, क्योंकि मैंने ये डार्ट 2 1/2 इंच की ली थी, तो 2 1/2 इंच का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा, 1.25। तो जहाँ पे मेरा अपेक्स पॉइंट था, वहां से हम 1.25 पे निशान लगाएंगे, और वहीं से हम अपनी टक्स देंगे। ठीक है, इस तरीके से वहीं से हम अपनी टक्स दे देंगे। तरीके से हम अपनी यहाँ पे सेंटर वाली टक्स मिल जाएगी, डन। और अब हम अपनी साइड वाली टक्स लेंगे, तो साइड वाली टक्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है, जो मेरी ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन से इस लाइन का हम सेंटर लेंगे, इन दोनों लाइन का हम सेंटर लेंगे, और सेंटर पे एक इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम 2 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और इस मार्क को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे, और उसके बाद में ये वाली जो टक लेनी है, मुझे 1/2 इंच की लेनी है, तो 1/2 इंच के लिए हम क्या करेंगे, 0.25 हम इधर लेंगे, और 0.25 हम इधर लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, और इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, अब जो मेरी जितनी मेरी ये वाली लाइन जा रही होगी, इस वाली लाइन को हम नापेंगे, ये मेरी कितनी आ रही है, 6 इंच, तो 6 इंच को ही, 6 इंच पे ही हम यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। ठीक है, और इस वाले निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे, और ये मेरी एज इट इज रहेगी। ये मेरी थोड़ी सी क्रॉस जाएगी, तो यहाँ तक मेरा ये 4 टक ब्लाउज हुआ। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये स्ट्रेट करना है, क्योंकि जो मेरा फ्रंट का नेक है वो मेरा डीप है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे माइनस करना होगा। तो इसको हमने माइनस किया, और इसके बाद में हम 0.25 और माइनस करेंगे, क्योंकि मेरा नेक जो है वो डीप है, तो यहाँ से हम 0.25 जितना और माइनस करेंगे, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे अपना नेक का निशान लगाएंगे, तो मेरा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, 2 1/2 इंच, तो उसमें +1 इंच ऐड करेंगे, तो मुझे कितना मिला, 3 1/2 इंच। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कितना मिला मुझे, तो ये मिला मुझे 3 इंच। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंच आ रहा है ना, तो 3 इंच में एक लाइन कमी है शायद ये, हाँ 3 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पे हम 3 इंच जितना जा सकते हैं, यहाँ पे 3.25 पे भी जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 3 इंच पे जा रही हूँ। ठीक है, और इसका हम यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे, और यहाँ पे मेरा राउंड नेक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम राउंड वाला शेप दे देंगे।
ये वाला मैंने राउंड नेक दे दिया। तो इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का ये हो गया। और अब हम इसके बाद में, जो कि मैंने बताया था ये मेरा ब्लाउज है फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट, ठीक है। तो फोर टक ब्लाउज तो हो गया। अब अगर फोर टक ब्लाउज बनाना है तो ये मेरा रेडी ही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है। लेकिन मेरा ये है फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट, ठीक है। तो बेल्ट को कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो हमें इस वाली लाइन को चेक करना है। ये लाइन मेरी कितनी आ रही है, 5 1/2 इंच। तो हमें इस वाली लाइन को भी 5 1/2 इंच पे लेके जाना है। यहाँ पे पहले हम 5 1/2 इंच को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 5 1/2 इंच आया, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 1/2 इंच। तो हम 1/2 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे, ठीक है। 1/2 इंच मेरा यहाँ पे और 1/2 इंच मेरा यहाँ पे, और इस 1/2 इंच को हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच कर दिया। और आप सोचेंगे सारे ब्लाउज में तो हम जितना यहाँ होता है उसका डबल जाते हैं, पर इस ब्लाउज में नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे 1/2 इंच ये हो गया और 1/2 इंच ये मेरा डॉट में जाएगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे 1/2 इंच ही लेना है। तो ये सब मेरा माइनस हो जाएगा, ये सारा मेरा माइनस हो जाएगा। और जितना मुझे यहाँ मिला उतना ही हम इधर जाएंगे, और यहाँ पे इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला भी मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक मेरा फोर टक ब्लाउज हो गया। अब हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट मेरी कितनी रहेगी, 2 इंच की, ठीक है। तो 2 इंच में मेरा 1/2 इंच तो यहाँ सिलाई में चला जाएगा। तो हमें कितनी लेनी है, 2 1/2। तो 2 1/2 इंच पे हम यहाँ पूरे में निशान लगाएंगे। तो ये तो मेरी यहां से मिल जाएगी। जब ये मेरा सब माइनस होगा, जब हम इस वाली डॉट को माइनस करेंगे, तो ये वाली डॉट मेरी यहीं से ही मिल जाएगी, ठीक है। ये जो मेरी ऐसे करके आ जाएगी। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बेल्ट तो चाहिए नहीं है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप चाहिए है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 0.75 ऊपर जाऊँगी, ठीक है। 0.75 ऊपर जाने के बाद में इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दूंगी, ठीक है। तो जो अब मैं जो बेल्ट बनाऊंगी वो मेरी बेल्ट आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब मेरा जो ब्लाउज है वो पूरी तरीके से, ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, ये सारा का सारा मेरा माइनस हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये सारा मेरा माइनस हो जाएगा, इधर पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कटिंग करेंगे, कटिंग करने के लिए जैसा हम कट करते हैं सभी ब्लाउज में सेम वैसा ही रहेगा। अभी मैंने ज्यादा ले लिया है, इसको भी मैं कट करूंगी। कट कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे हम अपने नेक को कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब हम सबसे पहले अपनी बेल्ट को कट करेंगे। यहाँ पे ये वाली बेल्ट मेरी यहाँ तक कटेगी, ठीक है। ये माइनस हो जाएगी, पहले मैं इसी को कट कर ले रही हूँ। सॉरी,
यहाँ तक ही हो जाएगा। तो ये जो मेरा पार्ट होगा ये वाला, ये तो मेरा यूज का है पर ये मेरा हट जाएगा, ठीक है। और अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे, ठीक है। तो ये बेल्ट मेरी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये बेल्ट मेरी जब ये होगी यहाँ पे, ये जब मेरी डॉट इस तरीके से अटैच होगी, ये देखिए ये मेरी डॉट अटैच होगी, तब ये वाली बेल्ट मेरी इस तरीके से आ जाएगी, डन। तो यहाँ तक मेरा फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट हो गया। और अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेना है, इस वाले पार्ट को लेना है और यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ये तो मेरा माइनस ही हो जाएगा, तो इसको हमें माइनस करना है पहले तो, इसको यहाँ पे इस तरीके से लाना है, ठीक है। और तो इसको यहाँ पे इस तरीके से, पहले जो हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पहले अपना आर्मोल कट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेरा इस तरीके से आर्मोल कट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे और नीचे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस डॉट को माइनस करते हुए, ये जो डॉट थी इसको माइनस करते हुए यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस पट्टी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रखते हुए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से आर्मोल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ मेरा 0.75 है, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 इंच जितना जाएंगे और जितना ये क्रॉस जा रहा होगा ऐसे जाने देंगे, और यहाँ से जितना ये जा रहा होगा ऐसे जाने देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ तक मेरा ड्रॉ हो चुका। और अब हम क्या करेंगे, अपने नेक नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम मेरा जो रेडी शोल्डर है वो इतना है 2½ इंच, ठीक है। और उसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 3½ इंच, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है 2½ इंच। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज का नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ ब्लाउज का मेरा नेक है 11 इंच, और यहाँ पे हम 3 इंच जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, स्केल से ऐसे करेंगे और यहाँ पे अपना राउंड नेक का शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये जो मेरा बेल्ट आ जाएगी वो 2½ इंच की आ जाएगी। और अब हम अपने ब्लाउज को कट करेंगे। इस तरीके से मेरा बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है और अब इसे हम कट करेंगे।
आप लोगों को ये सोचने की नीड नहीं है कि मेरा ब्लाउज छोटा हो जाएगा, बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। आप बस एक बार इसको कट करके देखिए। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से मेरा बैक पार्ट हो गया। और अब हम इसको फ्रंट पार्ट वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट में हुक और आई की पट्टी देंगे, तो उसके लिए हमने हाफ इंच छोड़ दिया है। और इसको हमें ठीक है जैसा है वैसा ही एज इट इज इसको ट्रेस करना है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ऑन फोल्ड की साइड से यहाँ पे भी इस तरीके से अपनी बेल्ट को रखना है। बेल्ट को हम 0.25 ऐसे रखेंगे। इतना हो गया, और यहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। यहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच इस तरीके से हाफ हाफ इंच ये मेरा सिलाई का हो गया। और हमें इतना ही मुझे यहाँ पे भी सिलाई का लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलाई का ले लिया। तो इस तरीके से मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे डॉट का है वहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये मेरा फ्रंट पार्ट हो जाएगा।
तरीके से मेरे ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं और अब हम इसको अपने मेन वाले फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये देखिए, ऑन फोल्ड के साइड पे मैंने जो नेक वाला पार्ट है उसको रखा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। और थोड़ा सा फैब्रिक मैंने सभी साइड में एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको मैं बाद में कट कर दूंगी और इस तरीके से फैब्रिक को कट करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट कट हो जाएगा बहुत ही इजीली। और सेम इसी तरीके से अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमें ऑन फोल्ड के साइड से रखना है। ये देखिए, इस तरीके से ऑन फोल्ड के साइड में रखेंगे। पहले हम जो मेरा नीचे का तीरा वाला पार्ट है, ठीक है, बेल्ट वाला, उसको रखेंगे और सभी साइड में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। तो इस तरीके से मेरी बेल्ट कट हो चुकी है और अब हम अपना फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला पार्ट जो है वो रखेंगे। और यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे और कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है वो हो चुकी है। ठीक है, आई होप आज का जो वीडियो था आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय ऑल। स्टिचिंग का वीडियो मेरा नेक्स्ट पार्ट में आए।